भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहा है। बीजेपी में फेरबदल की सुगबुहार तेज हो गई है। बीजेपी संगठन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष बदले। जल्द ही कई राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी बदलने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कई मंत्रियों की छुट्टी भी कर सकती है बीजेपी। राजस्थान में सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद कनक कमल कटारा, सांसद रंजिता कौली, सांसद राहुल कस्वा, सांसद घनश्याम तिवाड़ी मंत्री बनने की रेस में। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बीजेपी में फेरबदल की सुगबुहार तेज हो चुकी है। राजधानी दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं इसके ऊपर क्या ताजा हालात है। तो देखिए राजीव, जिस तरह से बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट तेज हो गई है, कई विधायकों की और कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और बड़े फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में आपके पास इसको लेकर क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2024 चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर के केंद्रीय संगठन तक को मजबूत करने में लगी हुई है। और कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 4 राज्यों के अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, नए लोगों को चार्ज दिया है, नए लोगों को जिम्मेदारी दी है, इससे जो है लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ और राज्यों में, जो जानकारी मिली है, कुछ और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। और साथ ही जो बीजेपी का केंद्रीय संगठन है इसमें कुछ लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वह चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत कर रहे हैं, एक नई टीम गठित कर रहे हैं। और इसी क्रम में राजस्थान बीजेपी के कुछ बड़े नेता हैं जिनको बीजेपी केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगी, जल्द ही फेरबदल होगी। और इस बार जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगी उसमें NDA के जो घटक दल हैं उनके जो सांसद हैं उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आ रही है। साथ ही जो चुनावी राज्य हैं वहाँ के सांसदों को, कुछ नए सांसद हैं उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह का रोड मैप लगभग तैयार कर लिया गया है और इसकी जो है कहा जा सकता है कि कल जो 4 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कवायद अब शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी यह मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो NDA का जो कुनबा है वह पूरी तरह से मजबूत है और पूरा NDA इस बार जो है लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगा। और यही वजह है कि देखिए चुनाव के ठीक पहले जो है NDA के तमाम जो घटक दल हैं उनसे जो पार्टी के चाणक्य हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में, दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनसे और उनके सांसदों को जो है इस पर बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ताकि एक तरफ जहां विपक्षी एकता की बात कर रहा है वहीं घटक दल को साथ लेकर के NDA को मजबूत किया जाए और एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। और चुनावी राज्यों में अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ से भी जो जानकारी मिल रही है कि 3 सांसद को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कुछ जो दो वरिष्ठ सांसद हैं, दो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको जो है संगठन में भेजा जा सकता है चुनाव जिताने की, उनके पास बड़ी अनुभव है, लंबे समय तक वो लोग संगठन में काम किए हैं। तो चुनाव जितना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है, लिहाजा 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को जो राजस्थान से आते हैं उनको संगठन में भेजा जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।